damn, I fall for your love. Yo guys, what's up everybody? It's up apni public aki and ke vlog kya bolte apni public kya bolte apni uncanny. So guys, jaise ki main bahut din ke baad vlog bata do pata hai to pehli fursat mein baal ko dekh ke ignore karo kyunki baal ka time abhi hum log dikh ke aaye hain MD station to main pur alag side mein utar raha hu kyunki log crowd dekh sakte hain aur log ajeeb tarah se dekhte hain abhi mere ko sharam aa rahi hai kyunki main abhi abhi vlogging chalu kar raha hu itna wo nahi hai log ke samne iske liye main side mein aake bata rahi apna MD station और मैं टिकट भी ले चुका हूँ मेरा रोड की. और जो ये ब्लॉग है ये आसाद स्टाइलिश के ऊपर है, ये मतलब वो इतना बड़ा ब्लॉगर है, उसके 550 के सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे. तो मैं इसके लिए मिलने आ रहा हूँ, जा रहा हूँ मेरा रोड पे. चलो इसके लिए अभी मैं सोचा कि बहुत जल्दी कंटेंट लेके आते रहूँगा, वो भी अच्छे अच्छे जैसे देखने में मजा आए. स्टेशन से उतर के अभी मैं आ चुका जॉगर्स पार्क के लिए, जो उसका मतलब स्टोरी डाला उसने यहाँ 5 बजे जॉगर्स पार्क पर आएगा वो पार्क में. मतलब हम लोग ने पूछते पूछते आज, हम लोग जॉगर्स पार्क तो पता नहीं था तो भी हम पूछते पूछते आ चुके. 5 मिनट का रास्ता है और टाइम था 5, लेकिन हमारे पास इधर ही बच गया, अब 10 मिनट बाकी है. तो देखते अभी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे. बस चलो चलते हैं. मैं आ चुका हूँ जॉगर्स पार्क करके, मतलब वो है गार्डन. तो अभी तक ब्लॉगर आया नहीं है, डूड कितना लेट हो रहा है. हम लोग आ चुके हैं, मतलब 5-10 मिनट हो गए खड़े होकर. उसकी स्टोरी भी यही है 5 से 7, जिसको आना आ जाओ, नहीं वो खुद ही नहीं आया, हम इधर आके वेट कर रहे हैं. और ये सबसे पूछ रहे, गार्डन भी बहुत बड़ा है, गार्डन का भी बताएंगे और उसको आने दो. उस लेफ्ट ब्लॉगर से अब मतलब उसका मीटअप है, तो बारिश की वजह से इतनी पब्लिक नहीं आए, बट आए वो बहुत अच्छे भाई. इनसे मतलब आराम से बात कर चुके हैं, अच्छा बहुत सब कुछ लग रहा है. मतलब वीडियो में जैसे उससे बहुत अच्छे निकले, इज्जत कर रहे, ऐसा लग रहे नहीं कि इनके 500 के सब्सक्राइबर ऐसा कुछ कुछ भी नहीं देख सकते. अब एक 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 बार पब्लिक पूछ रही है, तो इतना कोई आया नहीं, मतलब आए उनको बहुत है, उनको तबीयत भी ख़राब थी तो भी आए. तो भी अब अभी मैं इनसे मिलाता हूँ, मैं इनसे मिलाता देख सकते हो. फरहान भी आए मेरे साथ में, उसने स्टोरी देखा तो उसके साथ में तो मैं मिलाता हूँ उनसे, देख सकते हो. आप आगे बढ़ोगे जब मैंने कुछ बता सकता कि आप क्या ब्लॉगिंग का टिप. मैं थोड़ा नर्वस मैं हो रहा थोड़े से तेरे लाइट मारो पहले ब्लॉगिंग का सही लाइट अच्छा लग रहा है. तो टिप मैं दूंगा यही कि बस करो, बस स्टार्ट कर दो, मतलब रुको मत किसी चीज़ के लिए, स्टार्ट कर दो और दिमाग से सोचो. और अगर कर रहे हो यूट्यूब, अगर कर रहे हो कोई भी, तो ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बिग एक IAS का एग्ज़ाम निकालना. हाँ ऑब्वियसली एक IAS का एग्ज़ाम निकालना और यूट्यूब में 1 लाख सब्सक्राइबर कर लेना, दोनों सेम लिख के देता हूँ क्योंकि बहुत हार्ड चीज़ है ये. तो अच्छे से करो, कुछ नामुमकिन. अब आप किसको देखे मैं एक्चुअली मैं पहले देखता था, बहुत सारे यूट्यूबर थे जो मैं पहले ऐसे ही यूट्यूब में आता था कि कुछ हेयर स्टाइलिंग देख लिया. ये जैसे आप लोग थे ऐसे ही नॉर्मल में आता था. फिर एक वीडियो मैंने ऐसे ही बना दिया कि यार मैं यहाँ पर हूँ, अपन यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं. एक ब्लॉग सिंपल था, एकदम घटिया क्वालिटी का ब्लॉग था, वो सैमसंग गैलेक्सी J2 से मैंने बनाया था करीब 3 साल पहले. तो उसके बाद ना वो मैंने शेयर कर दिया, शेयर किया बस फेसबुक पे अपने फ्रेंड लोग से. तो फ्रेंड लोग देखे दिन में, रात को मैंने देखा 30 व्यू है. फिर सो के उठा, मैं स्कूल के लिए जा रहा था तो अचानक यूट्यूब खोला, अचानक माई चैनल पे क्लिक हो गया मेरा. फिर साइड में जब किया तो मैंने 70 व्यू देखे, मतलब 30 से 70 हो गया. उसके बाद मैंने बोला ठीक है हो गया, इतने तो लाइक भी आते हैं. मैंने फिर 2 दिन बाद देखा तो सीधे मैं देख रहा हूँ 3000 व्यू है. फिर 3000 व्यू हो गए, फिर मैंने सोचा कि ये मौका है, इस पर चौका नहीं मारोगे. मैंने मौका पर चौका मारा और मैं हाई क्वालिटी उसी वक्त से एकदम मैं जितना पोटेंशियल मैंने जोड़ दिया, हाई क्वालिटी पे हाई क्वालिटी ज़बरदस्त वीडियोस बनाने लगा. अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स जो मैं करता था, जो मैं सिंपल करता था वो बताता था. तो पब्लिक को पसंद आया, बहुत अप्रिशिएट किया सबने. उसके बाद बस हो गया काम. और मैं अभी दानी से मीटअप रखा था तो वहाँ पे कैसा बहुत लोग गए, उन लोग ने ब्लॉग बनाया टीम 0 से ज्ञान में. आप देख सकते हो कितने अच्छे बंदे हैं भाई इधर, ये ना 500 सब्सक्राइबर आपके. तुमने ना कुछ घमंड ना कुछ अकर से, हम अपने ऐसे बस आम आदमी जैसे, इनको मतलब इतने बड़े वो है तो भी इनको ना घुट घमंड, बस अपने जैसे एक ब्लॉगर इतने और इतने बड़े ब्लॉगर है हमसे आए. हमको लगा आएंगे नहीं, हम वेट करेंगे, आ गए. भले से वो 5-10 मिनट लेट तो होते ही है,
बट तो भी आ गए और इनके लिए बहुत सारी गिफ्ट लेके आए। देखो आप देख सकते इतनी सारी पब्लिक, और इसमें जय सोलंकी और वो सब भी आने वाले थे। नहीं कोई बात नहीं, हम आ गए, इनको इतनी खुशी हुई। और इनका एक बहुत ही बड़ा ब्लॉग होने वाला है, बड़ा मीटअप होने वाला है, वो भी कोलकाता में। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है तो इनको आना, हाँ सब्सक्राइब करने बोल रहा तुम्हारे नितिन से, सब्सक्राइब करना नितिन के चैनल एंड गेम ब्लॉग नितिन खान। हाँ बहुत सारे नाम है ना दिमाग में, तो नदीम को सब्सक्राइब करो, अभी बहुत यंग है, यंग एज में कर रहा है, तो तुम भी कुछ सीखोगे तो सब्सक्राइब करो। और पहला ऐसा मीटअप देखा गया आए और इतना एक 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 क्वेश्चन सब पूछ रहा है, ऐसा मतलब इतना तो कोई रहता ही नहीं। आएंगे और जैसे ही वो 07 पास लो, पैसा भी दो तो भी लोग खड़े खड़े देखो यहाँ पे आराम से बैठो और भाई से एक एक क्वेश्चन करो, ये करो करो, तो भी जो पूछना हम लोग ने पूरी पूछ चुके, पूरा नॉलेज ले चुके भाई से। बस चलो चलते, और जिसको भी अच्छा लगा रहेगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना। तो गाइस पूरा मीटअप सक्सेस हो चुका है और इतनी भी पब्लिक नहीं आई थी जितना सोचे थे, तो भी भाई को अच्छा लगा। और समय मेन बात तो ये है, समय में देखो ये फरान भी आया था, मैंने बताया नहीं, समय मेन बात तो ये क्या, एक एक चीज से क्वेश्चन कर सके, ये वो तो बोल रहे थे क्या तेरा आपका इंस्पिरेशन कौन है, तो मैंने तो सीधा बोल दिया, बोल रहा था कि आपका इंस्पिरेशन कौन है, मैं तो जो था उसको ही बोलूँगा, मेरा इंस्पिरेशन तो दानी जानी है, तो बोल उसका भी कहना यही था क्या शर्मा हमारा जो भी कुछ भी बोले तो करो मत। तो जैसे कि अभी मैं वापस से जा रहा हूँ स्टेशन के तरफ पे, मेरा लोग स्टेशन के तरफ पे चलो चल के आ रहा था स्टेशन के अंदर, एक दुकान झुकी है, देखो ये भाई की दुकान है, तो इधर बहुत गोल गोल आ रहे 50 रुपया, देखो देख सकते हैं गोल गोल के पबजी है सुप्रीम है, तो मेरे को जो पसंद आएगा मैं यहाँ से बाय कर लूँगा, और इसका प्राइस सिर्फ सबका 50 रुपया प्राइस है इसका। तो यहाँ पे आपको बहुत देखो आप देख सकते स्माइल है, गुची है, पबजी है, सब कुछ है। तो मैं क्या भाई क्या क्या नहीं क्या आपको लास्ट में दिखाएंगे, हमें पूरे यहाँ पे ग्लास ग्लास भी लगते हैं, एयरफोन और ये जो ये रहता ना थैली, मतलब बारिश और इसके लिए, तो अंधेरे में चेहरा नहीं दिख रहा देखता हूँ कुछ नहीं, देखते मेरे को क्या पसंद है, मेरे को ज़्यादातर तो ये पसंद है सुप्रीम का, तो यही बाई करूँगा मैं। और मेरा नवा कवर आएगा तो उसका एक ब्लॉग बनाऊँगा जहाँ से मैं लूँगा, और पीछे पूरा प्रिंटेड रहेगा इनके ब्लॉग का, बाई कर चुका देख सकते हो गुची। तो ये नवा कवर की जब नवी ब्लॉग आएगी जब मैं इसको लगाऊंगा और बताऊंगा कैसा लग रहा है, फुल कांच का ये, तो सिर्फ 50 रुपया। तो ये आप जब मीरा रोड स्टेशन से उतरेंगे तो यहाँ पे दुकान है, चलो चलते अभी घर के लिए, बहुत लेट हो चुका है, 7:30 बज चुके, मेरी ट्यूशन व्यूशन भी छूट चुकी है, अब मेरे घर पे भी डांट पड़ी है अलग बात। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, नहा धो के फुल गिल्ला हो चुका था, तो चोरी छुपे तो अच्छा बच गया मैं, 7:30 बज गए थे ट्यूशन से, तो अभी मैं ट्राइपॉड हाथ में लेकर शूट कर रहा हूँ क्योंकि लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही ना तो अंधेरा आ रहा था पूरा। सो जैसे कि देखो ये वीडियो, इसके लिए क्या मैंने इतना अच्छे से मतलब वो नहीं कर पाया, मेरे को पता है मैंने इतना अच्छे से ब्लॉग नहीं शूट कर पाया, लेकिन जो किया मैंने किया तो सिनेमैटिक शॉट नहीं ले पाया क्योंकि VR फास्ट हो रहा था, इतना क्राउड था क्या, जो कुछ भी सिनेमैटिक शॉट लेने कुछ भी नहीं मिला, और गाड़ी इतना बड़ा था, और एक तो लेट हो गया था ब्लॉगर को आने में, तो हम लोग इतना ढूंढे, और तो गिल्ले हुए, तो सर्दी भी हो गई मेरे को, तो भी मैं फटफट आया नहा धो के, मैं आपको बताने लग गया ये सब बात है। तो क्या जैसे कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी कुछ मेहनत का फल दो, जो लाल बटन इसको ग्रे करो, मतलब सब्सक्राइब करो यार चैनल, और बेल आइकन दबाना जरूर भूलना मत, तो मैं इतना मेहनत करो। बाकी आपने इतना सपोर्ट दिया है ना मेरे को, मैं इतने कम सब्सक्राइबर लेके ना मैं इतना आगे जा रहा हूँ ना, जोगेश्वरी की पब्लिक, कॉलेज की पब्लिक, राम मंदिर यहाँ वहाँ की पब्लिक है ना मेरे को पूछ रही है, डूड्स पूछने का मतलब तो ये हुआ मतलब हाँ भाई तू ब्लॉगर हो ऐसा होगा, मैं यहाँ जा रहा हूँ पहले की वीडियो लेके, तो मेरे को ये भले से मजाक उड़ा रही बट खुशी हो रही है, खुशी टाइप में हो रही, सब दोस्त लोग तो लोग भी सोचते हैं हाँ भाई एक ब्लॉगर है, तो यही मेरे को खुशी है, ऐसी इतनी NK Army ऐसी मेरे को सपोर्ट करो तो मैं और बढ़ते रहो, भले से सब्सक्राइबर इतने 500 मेरे, तो मैं और एग्रेसिव होते रहो, और ऐसी सपोर्ट चाहिए बस सब लोग का, तो इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं यहाँ वहाँ बारिश के टाइम पर चले आ रहा हूँ, अभी नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत ही जल्दी आने वाला हो, चलो बाय, और वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट।